हार्डवेयर चौक पर फटा भूमिगत पीएनजी गैस का पाइप, लोगों में मचा हड़कंप। पिछले दो घंटे से हो रहा है गैस का रिसाव। मौके पर पीएनजी के कर्मचारी गैस रिसाव को रोकने में जुटे। प्लांट नंबर 66 स्थित कंबोज इंटरप्रीजियस की लापरवाही से हुआ गैस रिसाव। लोगों के अनुसार कंपनी मालिक जेसीबी से कर रहे थे खुदाई, जिसके चलते पाइपलाइन टूटी। इस लापरवाही पर कंपनी मालिक ने कुछ भी स्पष्टीकरण देने से किया इनकार। फिलहाल लगातार गैस का रिसाव जारी है। बोझ एंटरप्राइजेज वाले अपने किसी काम के लिए जेसीबी बुला के लाए थे, उस जेसीबी से खुदाई कर रहे थे तो ये पीएनजी की लाइन में लग गई और वो फट गई है। लाइन फट गई है? हाँ। तो क्या कितना बड़ा रिस्क मानते हैं? ये 11:30 बजे से लगी है और उसके बाद अभी तक इसका प्रेशर कम नहीं हो पा रहा है। अच्छा। और कम से कम नहीं हो तो इसमें इतनी गैस लीकेज हुई है कि आदमी अगर ये साथ में जो खाने वाला बैठा उसको उन्होंने लाइन बंद करवा दी कि खाना मत बनाना, कहीं ऐसा ना हो आग लग जाए। अच्छा। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। बहुत बड़ा रिस्क है, ये पीएनजी की लाइन है। बहुत आपकी भी दुकानें पास में हैं? हाँ, तो बहुत रिस्क है। वैसे तो मेरे पास कोई ऐसा माल नहीं होता जिससे मतलब फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई, फायर की गाड़ी भी आई हुई है और अधानी गैस वाले एजीएल वाले भी आए हुए हैं। वो भी आए हुए हैं? हाँ जी। और कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो गैस किसी कितने घंटे हो गए? 1.5-2 घंटे हो गए। 11:30 से